तो नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज आपका स्वागत करता हूँ फिर से एक बार। मेरे चैनल है माय गेमिंग और जो के दोस्त मेरे चैनल में नए हैं यार प्लीज सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और प्रेस कर देना बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो के लिए। तो यार यहाँ पे बिट और मैं खेल रहे थे रैंडम मैच, तो इसमें क्या हुआ यार, बंदों ने उतार दिया सेवर नहीं। उन्होंने कहा कि भाई रैंक पुश करनी है, तो हमने कहा चलो ठीक है भाई कर लो रैंक पुश। तो यार सेवरनी में कोई भी बंदे नहीं आए थे, तो हम आगे जोरजो की तरफ क्योंकि यहाँ पे चली थी फ्लेयर। तो यहाँ पे हमको सामने फ्लेयर दिखी और हमारा बंदा पता नहीं भाई साहब भसड़ मचा रहा था। वो कह रहा था हम सब चूती हैं। तो यार मतलब बहुत सारा बोल हो रहा था और मेरे को नहीं लगा था कि हम लोग इन लोगों को मार देंगे। पता है क्यों यार? वो इसलिए क्योंकि मेरे पे AKM की थी 30 AMO खाली और यहाँ पे मेरा हद से ज़्यादा लैग हो रहा था और दूसरी गन थी मेरे पे यूजी। तो यार लेकिन यहाँ पे जो कमाल हुआ वो मुझे नहीं लगा कि भाई साहब इन बंदों को ऐसा फ्लेयर चलाना था। और बिट की पावर देखो यार, मतलब गाड़ी में उसकी पावर आधे से ज़्यादा कम हो गई है। अब अगर ये बंदे ने यहाँ पे एक नॉक किया था, अगर ये यहीं से पुश कर देता ना, तो भाई पूरा स्क्वाड खा जाता। लेकिन पता नहीं इस बंदे को मतलब क्या जज्बा आया और ये बंदा जादू का अलादीन बन के पता नहीं कहाँ से आया भाई साहब इतना लेट। और यहाँ पे बिट मुझे गाली दे रहा था, कह रहा था बार बार गाड़ी कौन चला रहा था सालों, गाड़ी कौन चला रहा था। तो यार यहाँ पे उस बंदे ने पता नहीं रश नहीं किया, क्योंकि मेरे को लगता है कि उसके एक बंदा जो था वो बार बार ये कह रहा था कि भाई रिवाइव दे, पहले रिवाइव दे, रिवाइव दे भाई, पहले रिवाइव दे। तो यार यही गलती करते हैं बंदे, रिवाइव के लिए जो मरते हैं ना भाई, उनको अपनी टीम से पहले तो बाहर निकालो, ठीक है? क्योंकि उनकी वजह से, इसी की, इस बंदे की वजह से मतलब पूरा स्क्वाड खत्म हो गया उस बंदे का। तो यार बिट कह रहा था यहाँ पे कि वो हेल्थ लगा रहा है, तो मैंने कहा यार मैं भी हेल्थ लगा रहा हूँ, तो फिलहाल तो भाई रुक जा, मैं मार दूंगा उसे, तू एक बार रुक जा। और अभी भी बिट यही कह रहा था कि भाई गाड़ी कौन चला रहा था, क्योंकि मैंने नहीं बताया, मुझे पता है कि बहुत गालियाँ पड़ेंगी। तो यार यहाँ पे तुम्हें पता होगा यूजी बहुत तेज खाती है, तो यार यहाँ पे यूजी की एमो खत्म हो गई थी, लेकिन भाई साहब क्लोज रेंज में यूजी से कोई नहीं बच सकता। तो अब हम हैं खिलाड़ा, समझ रहे हो, हम हैं कतई पीरो बंदे, खिलाड़ा हैं हम। तो यार चलते हैं, यहाँ पे भी सारा निपटाने के बाद हम आ गए थे पोचिंग की। तो यार पोचिंग की पे मैं अपना जायरो चेक कर रहा होता हूँ, क्योंकि मैंने सेटिंग चेंज कर रखी है, तो मैं अपना जायरो फुल जायरो कर रखा है। तो अब मैं सेटिंग उसकी चेंज करके खेलने की कोशिश कर रहा था। तो यार इतने में बिट की कॉल आई, तो बिट ने कहा कि भाई मेरे पास है पूरा का पूरा स्क्वाड, साला अकेले चला जाता है मारने, उसके बाद फिर मरने को होता है तो फिर कॉल करता फटाफट से। तो यार मैंने उससे कहा कि भाई बंदे कहाँ कहाँ हैं, तो इतने में भाई साहब भाई ने बताया नहीं, सीधे डाउन करके बता दिए बंदे यहाँ पे हैं। तो यार बिट से मैंने पूछा कितने बंदे नॉक हो गए, उसने कहा भाई 2 डाउन बिट ने वहाँ पे उस वक्त कर दिए थे। तो मैंने कहा एक को फिनिश कर दे इतने में, लेकिन भाई साहब बिट भी वहाँ पे डाउन हो गया था। तो यार एक बंदे को मैंने भाई साहब ग्रोजा से दे दिया, उसके बाद भाई साहब मैंने कहा पहले बिट को नॉक करते रिवाइव देते हैं। तो बिट को यहाँ पे मैंने रिवाइव देना शुरू किया, क्योंकि यार उसके भी 2 बंदे नॉक थे, एक अकेला बचा था, तो मेरे हिसाब से तो उसने रश नहीं करना था, क्योंकि हमारे यहाँ पे 3 बंदे अलाइव थे। तो मैंने कॉल दिया 4th नंबर को, मैंने कहा कि भाई तू फटाफट से जा और राइट फ्लैंक कर। यहाँ पे बिट के तो 2 किल सिक्योर हो गए थे, लेकिन मेरा एक भी किल अभी तक सिक्योर नहीं हुआ था और मेरे पे फायरिंग हो रही थी और सामने हो रखा था स्मोक। तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना स्मोक में थोड़ा बहुत फायर करा जाए। तो मैंने पहले तो स्कोप खोला और इधर उधर देखा कि यार कोई है नहीं है, फिर उसके बाद फायर करके देखा, तो इतने में 4th नंबर वहाँ पे स्मोक में पहुँच चुका था और उसने राइट पूरा फ्लैंक करके वो जा चुका था। तो इतने में यार मुझे पता भी नहीं चला और बिट ने पूरा का पूरा स्क्वाड खा गया। तो मतलब यहाँ पे पूरा के पूरे ऑल डेड हो गए बंदे और मुझे नहीं पता चला क्या हुआ भाई साहब यहाँ चक्कर। तो यार यहाँ भी खाली करने के बाद हम यहाँ से भी निकल पड़े फटाफट से। अब ये इलाका मेरे को इतना ध्यान नहीं है कि इसको बोलते क्या है, लेकिन हम यहाँ पे आ गए। तो यार यहाँ पे भाई साहब सही सैंडविच बनता है। अब आप देखो कि एक लेफ्ट से बंदा मतलब भागता हुआ आ रहा है ड्रॉप की तरफ, ठीक है? मुझे दूर से वो बंदा दिख गया था, तो मैं इसको ग्रोजा के शॉट दे देता हूँ फटाफट से। तो मैंने ग्रोजा के शॉट दिए और भाई साहब विपुल भैया ने उसको M24 से मारा। अब मैं सोचता हूँ कि यार मैं पत्थर के पास जाता हूँ और उनके पास मतलब धीरे धीरे फ्लैंक करके जाने की कोशिश करता हूँ और उनको डाउन कर दूंगा। तो यार यहाँ पे तो और गजब चीज़ हो जाती है मेरे साथ। मुझे नहीं पता था कि भाई 12 के 12 बंदे भाई साहब इसी रीच के पीछे छुप रखे हैं और कुछ बंदे मतलब पीछे भी हैं, लेकिन ज़्यादातर इसी रीच के हैं। तो यार यहाँ पे मुझे भाई साहब M4 का स्प्रे फटाफट से पड़ रहा था, तो मैं भाग रहा था। अब मुझे नहीं पता इस गधे आदमी ने क्यों M4 का स्प्रे बंद कर दिया। अगर ये M4 का स्प्रे देता रहता तो भाई साहब मैं डेफिनेटली नॉक हो जाता। तो यार यहाँ पे तो और गजब चीज़ हुई। अब देखो मैं सोच रहा था चलो घर के अंदर हूँ हेल्थ लगाऊंगा, लेकिन नहीं भाई साहब, जब एक बार नॉक होना हो ना तो ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता आपका, आप तो नॉक हो गए होगे। तो यार यहाँ पे भाई साहब 4th नंबर रिवाइव दे रहा है, मज़ा आ गया, मतलब फटाफट से रिवाइव मिल गया और हमारे बगल से जाती गाड़ी। तो मैं इनसे कहता हूँ भाई साहब कोई भी फायर करेगा नहीं, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे रुक गए तो हमारी हेल्थ है, मेरी हेल्थ है नहीं, और भाई साहब पुश कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी।
तो अभी उनको जाने दो। तो वो बंदे चले जाते हैं फटाफट से गाड़ी वाले। तो मैं सोचता हूँ यार क्यों ना लेफ्ट से पूरा फ्लैग मारा जाए अगर वो बंदे राइट में है तो, लेकिन यहाँ पे इतने में फोर्थ नंबर हो जाता नॉक। तो फिर मैं नहीं करता हूँ फ्लैंक, क्योंकि यार अगर सारे बंदे साथ नहीं होंगे ना तो भाई साहब गजब हो जाएगा भाई। मतलब टीम कभी भी तोड़ो मत भाई आपस में। और अब मैं जिस गाड़ी की बात कर रहा था वो आप देख सकते हो सामने है, तो मैं उसको M4 का विद 6X का स्प्रे फटाफट से दे रहा होता हूँ, और मतलब वो गाड़ी का तो मतलब डुबाने को हो जाते हैं भाई। अबे रोक के मार लो ना उन बंदों को आराम से। तो यार मुझे नहीं लगता वहाँ पे पता नहीं कितने बंदे मरे, पहले 12 अलाइव थे अब भाई साहब 11 अलाइव हैं। और इतनी देर में भाई साहब पता नहीं बिट को कहाँ से बंदा दिख जाता, एक बंदा बिट टपका देता है। तो अब मैंने देखा कि यार बिट ने बहुत ज़्यादा फ्लैंक कर चुका है और फोर्थ नंबर भैया हमारे फिर से नॉक हो गए। हम इनसे कहते हैं कि फटाफट उनको उठा दो, लेकिन भैया इनने इतनी लेट कर दी उठाने में कि हम क्या ही बताएं। ये उठा नहीं रहा बंदा, वो विपुल अभी भी स्नाइपिंग ही कर रहा था। तो यहाँ पे बिट बहुत आगे चला गया था, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं भी वहाँ पे पत्थर पे फ्लैंक कर जाऊँ। अब यहाँ पे मैं फिर से बोल चुका था कि राइट में मेरे बंदे हैं जो कि मुझे M4 का स्प्रे रेगुलरली दे रहे थे, तो मैंने स्मोक करे बिना भाई साहब मैं उस पत्थर पे फिर से चला गया। और मैंने सोचा कि यार क्यों ना मैं राइट से स्प्रे दूँ। आप देख सकते हो मैं पूरा भूल चुका हूँ कि बंदे अभी भी मेरे राइट में हैं। तो यार वो इस चीज़ का बहुत सही फायदा उठाते, बिट ने कहा गाड़ी फोड़, तो हमने गाड़ी फोड़ दी ताकि वो भाग ना पाए कहीं। अब यहाँ पे क्या हुआ, मेरे पे राइट से फटाफट से फायर होने लग गया। पता नहीं साले आराम से किल चुराने वाले साले सोल का नाम खराब कर रहे हैं भाई ये। तो मैंने यहाँ पे बिट को कहा कि भाई बिट फटाफट से आ, मैं एनिमी ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे एनिमीज हैं। तो बिट भाई साहब आ गए हमारे पास हमको रिवाइव देने। तो यार इतने में मैंने उससे कहा कि भाई थोड़ा सा मतलब मेरे पीछे बैठी हो राइट की तरफ में, लेकिन वो और लेफ्ट हो गया। अभी आप देखना वो लेफ्ट हो जाता है ये देखो। तो यार यहाँ पे पता नहीं उसको क्या कन्फ्यूज़न हुई, और मैंने उससे कहा गाड़ी वाले मारेंगे तू मतलब फटाफट कर जो करना है स्मोक। स्मोक मैंने अपने बंदों से कहा लेकिन उन्होंने गलत जगह स्मोक कर दिया, इसकी वजह से भाई बिट अपना नॉक हो गया। और बिट को पूरे पूरे मतलब राइट वाले लेफ्ट वाले मिलके भाई साहब खा गए, कतई खा गए। तो यार यहाँ पे जैसी बिट मतलब रिवाइव भी नहीं होने देते। देखो यार 2 मिनट का मौन शोक यहाँ पे। अब मैं यार सेकंड नंबर से कहता हूँ कि यार वहाँ पे बंदे हैं राइट में तो उधर को मत जा, और मैं ले लेता हूँ M24। M24 लेने की यार बहुत सही वजह ये है क्योंकि गाड़ी वाले भाई साहब बहुत दूर है और राइट वाले बंदे भी बहुत दूर हैं। तो यार ये दोनों बंदों को टपकाने के लिए भाई साहब आपके पास लॉन्ग रेंज बोल्ट एक्शन होनी चाहिए, बोल्ट एक्शन सॉरी बोल्ट एक्शन। तो यहाँ पे मैं फिर से नॉक हो गया, मुझे वो बंदा दिखा था, मुझे लगा कि मैं मार दूंगा, लेकिन मैंने अपने बंदों से कहा कि भाई राइट में पूरा स्मोक कर यहाँ इस तरफ, मैंने एनिमेट करके उनको बताया। तो यार वो बंदे स्मोक करते हैं फटाफट से, मैंने कहा कि भाई उससे ऐसा मत करो भैया, फटाफट से स्मोक करो। और एक तरफ बिट कह रहा था कि एक तरफ को पुश कर दो, क्योंकि अगर एक तरफ को पुश नहीं किया तो दोनों मिलके पहले तुम्हें खा जाएंगे उसके बाद वो आपस में लड़ेंगे। मैंने कहा ऐसा क्या है स्ट्रेटेजी बना रखी का। तो यहाँ पे सेकंड नंबर फिर से नॉक हो गया, फिर से नहीं ये पहली बार नॉक हो रहा है, हाँ फोर्थ नंबर हुआ था 2 बार नॉक ठीक है। तो यार मतलब सेकंड नंबर नॉक हुआ तो मैंने फटाफट से स्मोक किया, मैंने सोचा पहले मैं राइट वाले को मारता हूँ उसके बाद लेफ्ट वाले को देखूंगा, लेकिन बिट कह रहा था पहले लेफ्ट वालों को मार फिर राइट वालों को देखियो क्योंकि लेफ्ट वालों के पास भाई साहब कवर है वो आराम से मार सकते हैं। लेकिन मेरा दिल नहीं माना, मैंने कहा भाई साहब हम तो मारेंगे पहले राइट वालों को ही। तो मैं पहले तो ड्रॉप चेक करने लग गया, पत्थर उत्थर चेक करने लग गया कि बंदा असल में है कहाँ पे भाई, लेकिन मुझे बंदा नहीं दिखा। तो मैंने भाई साहब एक बार गाड़ी वालों की तरफ भी देखा, तो गाड़ी वालों की तरफ भी अभी तक कोई हलचल नहीं थी, यहाँ पे कोई स्मोक स्मोक नहीं हुआ था भागने के लिए क्योंकि वो लोग बंदे जोन में नहीं थे और हम लोग थे हल्के से जोन में। तो यहाँ पे क्या होता है कि फोर्थ नंबर और सेकंड नंबर हल्का सा आगे चले जाते हैं जोन की तरफ। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई तुम लोग तो जोन में निकलो, अपना कोई बंदा तो जोन में होना चाहिए। तो बिट कहता है भाई स्मोक हुआ स्मोक में फायर कर। तो मैं फायर करने वाला होता हूँ कि राइट से मुझे भाई साहब पट पट पड़ जाती है, तो इतना मुझे बंदे का हल्का सा हेड दिखता है लेकिन वो रीच में होता है इस वजह से उसको लगती नहीं है। मैं 2-3 बार ट्राई करता हूँ कि भाई लग जाए, लेकिन भाई साहब कोई मजाल जो लग जाए भाई साहब पबजी भाई साहब कति टट्टी हो रहा है गेम। मतलब रीच के नीचे है तो भाई साहब उसका थोपड़ा क्यों दिखा रहे हो भैया हमको, मतलब क्यों। अब यहाँ पे क्या हुआ यार फोर्थ नंबर कतई मतलब पिरो बन रहे हैं, रस कर दिया, तो हमने सेकंड नंबर के आगे स्मोक करा क्योंकि हमको भी जोन में निकलना था। तो बिट ने कहा यार फटाफट से फायर दे दे, फोर्थ नंबर मतलब रश कर रहा है। तो मैंने कहा यार एक बार रुक जा मैं हेल्थ वेल्थ लगा लूँ क्योंकि हमारी हेल्थ वेल्थ कम है, और हमको कोका कोला या मिरिंडा पीने दो यार कुछ तो पीने दो। तो मैंने यहाँ पे यार क्योंकि अगर लास्ट जोन में भाई लोगों आपके पास हेल्थ नहीं है ना सही, मतलब फुल ड्रिंक नहीं है मतलब कुछ भी नहीं है, तो भाई आप लोग डेफिनेटली आराम से जाओगे
क्योंकि आप देख सकते हो मेरी वेस्ट वेस्ट सब डैमेज है। तो यार यहाँ पे मैंने ग्रोजा में लगाया फटाफट से 6x और हमने एक रैंडम स्प्रे दे दिया, तो वो बंदे भी मुझे रैंडम स्प्रे दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दो बंदे हमने नॉक कर दिए बे। लेकिन भाई साहब मुझे रेगुलरली वहां से पड़ रही थी। अब यहाँ पे आप देखना यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे खाली 5 बंदे बचे हैं, मेरे बंदों ने एक बंदा मारा है और एक बंदा पता नहीं जोन से अपने आप ही मर गया। भाई साहब हमको चिकन डिनर मिल गया यहाँ पे, कतई जहर।